एक तो इतने सालों से मैं पिछली बार भी आ नहीं पाया रहमतें में, तो इस बार लकी हूँ कि शहर में था, इतना अच्छा कॉज वाला एक शो करने को मिला है। सो ये पहली बात है। और दूसरी बात, गाने किस तरह के करूँगा, ओबियसली वो जो फेमस गाने जो है वो तो गाने ही पड़ेंगे, बॉलीवुड के जो हिट गाने हैं या जो मेरे पॉपुलर गाने हैं जो जानते हैं लोग। और उसके साथ सोचा हमने, क्योंकि एक अर्बन जोगी करके बैंड भी लॉन्च हो रहा है, तो उनके साथ भी हो सके तो एक फोक स्टेज में गाने की कोशिश करूँगा। और अभी हाल ही में ख़याम साहब नहीं रहे, तो हमने सोचा उनके गानों से ऐसा इंटरेस्टिंग ज़िंदगी है म्यूजिशंस का, स्टार ये परफॉर्म करते हैं, मज़ेदार ज़िंदगी है। बात मेरे पिताजी भी बड़े फ़नकार थे, मेरी मम्मी भी थे, अब तो मम्मी बीमार है, पिताजी तो नहीं रहे, एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन सबका ना वो चार दीवारी में ही होता है, जो चार घर के लोग होते हैं वही, बाकी जो फैंस हैं वो जब तक संगीत निकलता है फैंस है, उसके बाद फैंस दिल से चाहते हैं लेकिन सब अपने वर्क करता है, तो ये कीबोर्ड दे देते हैं किसी को, किसी का सपोज म्यूज़िक लेसन लेना है, संगीत सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी फीस चाहिए तो वो दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरह से म्यूजिशंस को हेल्प करने की कोशिश है संगीतम ट्रस्ट की। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस बार हिस्सा बन पाया रहमतें 7 के लिए। सो दैट्स इट। सौरभ जी, ये बताइए दिमाग में कैसे आया था रहमतें ये इवेंट प्लान करने का, और म्यूज़िक के लिए आपने इतना बड़ा काम किया, 7वां सीज़न आ गया है। सर, हमने एक बार पेपर में पढ़ा, बिस्मिल्लाह खान साहब ने भारत रत्न के साथ कुछ बोले, पैसे दे दीजिए, नहीं तो अवार्ड नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट हमको कुछ ना कुछ पैसे दे दीजिए। सो दैट वॉज द टाइम मैं और हरिहरन वी वर सिटिंग टुगेदर एंड वी डिसाइडेड कि यार अगर इतने बड़े म्यूजिशियन की इतनी ख़राब हालत है, तो जो मिड लेवल है और उसके नीचे के लेवल जो है, ऐसा नहीं वो काम नहीं करते, वो भी उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे करते हैं, उतनी मेहनत की है, कभी नसीब साथ नहीं देता, तो दीज पीपल नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। जी, तो दीज पीपल नीड अ लॉट ऑफ हेल्प, इनके पास कोई प्रोविजंस है नहीं, और पहले के ज़माने में तो बिल्कुल प्रोविजन होते ही नहीं थे उनके। अभी तो एटलीस्ट म्यूजिशियंस को थोड़ी कुछ फाइनेंशियल एडवाइस भी मिल जाती है, लेकिन पहले के लोग जो हैं दे वर कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन देयर सेविंग, तो एक बार सेविंग रिप्लीट हो गई तो फिर कुछ नहीं है। दैट इज़ वन थिंग वी आर डूइंग, वी आर लाइक ही जस्ट सेड कि हम कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बॉम्बे के बाहर से आते हैं, देर आर सम किड्स हु हैव कम विथ अ वन वे टिकट। एक लड़का मेरे को मिला जो कानपुर से आया था, वन वे टिकट लेके आया था कि मैं कुछ बन के जाऊँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा, तो मेरे को अंकित के घर पर मिल गया, बोला सर आपका मैंने फ़ोटो देखा, आप कुछ रहमतें करते हैं तो मुझे कुछ हेल्प कीजिए, तो वी बॉट अ हारमोनियम फॉर हिम। फिर मैंने उसको सुरेश वाडकर जी की स्कूल है आजीवासन, वहाँ उसको कोर्स करवाया। उसके बाद में मैंने ऋचा शर्मा, जसविंदर नेरुला, उनको बोला कि भाई आपके जो शोज होते हैं उसमें उसको बाजा बजाने का मौका दीजिए, समथिंग टू सर्वाइव। एट द एंड ऑफ द डे तो रोटी तो घर में आनी पड़ेगी, आप कुछ भी कर लें, रोटी घर में नहीं आएगी ना तो पैशन, सीखना, शौक, ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो द फोकस इज कि जो यंग लड़के हैं वो सही म्यूज़िक सीखें, उनके घर पे रोटी आए, उसमें से कुछ कमाई भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सीख के खाली बैठना है, दे नहीं तो ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, सीखने के बाद पैसे नहीं मिले पूरे 10 साल हमारे तो वेस्ट हो गए। तो वी ऑल्सो वॉन्ट टू पुश दैट, लाइक आई कैन रिक्वेस्ट पापॉन के भी अगर आपका एक शो हो रहा है, एक बच्चा साथ में कुछ बजाएगा कीबोर्ड, तो इट्स अ बिग डील फॉर हिम, पैसे मिले ना मिले, बट इट्स अ ग्रेट इम्पेटस फॉर हिम, इट्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। अरे मैं पापॉन के साथ बजा रहा हूँ तो जिंदगी में खुल के आगे निकलेगा वो बच्चा। इस साल अभी कोई लिस्ट बनी कितने लोगों को हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं इस इवेंट से?
सर अभी तक तो कुछ 8-9 लोग हैं, क्योंकि क्या लिस्ट जब बनाते हैं तो बहुत डिलीजेंस करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास भी ऐसे बहुत लोग आते हैं जो पैसे की एक्चुअली ज़रूरत होती नहीं, ऐसे मांगने की कोशिश करते हैं, तो हम हमारे लोग एक्चुअली जाते हैं वहाँ पर, उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री मांगते हैं कि भी आपको पैसे क्यों चाहिए, और वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको पैसा मिलता है, तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस टेक्स अ लिटिल लॉन्गर। दूसरी बात ये भी है, जैसे इनका जो एसोसिएशन है इसरा, उसमें से भी कभी फ़ोन आ जाता है, जैसे ललित है और दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके, कि भाई इनका ऑपरेशन हो रहा है, इनको कुछ ज़रूरत है, इनको कुछ पैसे चाहिए, तो वी ट्राई टू ऑलवेज डू दैट। फॉर दैट ऑल्सो हम लोग कुछ फंड्स रखते हैं हमारे पास थ्रू आउट द ईयर। कोई बच्चा आ गया, सुरेश जी का फ़ोन आ जाता है कभी, कभी ये मेरे पास एक बच्ची आई है अभी, दिस हैपन्ड ओनली अबाउट 1 month बैक, एक लड़की आई है बहुत अच्छा कमाल गाती है, लेकिन उसके पास तो रहने खाने के पैसे नहीं है मुंबई में, तो वी सेड ओके फाइन, आपकी फ़ीस जो है वो भी हम भरेंगे, प्लस विल हेल्प हर इन वॉट एवर अदर वे वी कैन। स्टेज में पहले मंच में जाने से पहले तो हर दफ़ा अलग अलग कुछ मन में आता है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आता है, और प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है अगर आप खुल के मज़ा लेना चाहते हैं उस चीज़ का, क्योंकि जब मंच पे मैं जब एंजॉय करूँगा तभी ऑडियंस एंजॉय करेगा, पहले तो सबसे बड़ी बात वो है, और एंजॉय करने के लिए आपको सब चीज़ खुद ब खुद आना चाहिए, बजाना गाना, तो उसके लिए बहुत सारा तैयारी चाहिए होता है, और ख़ासकर सिंगर्स के लिए तो ये आइसक्रीम ना खाओ, एसी में ना रहो, हमारे इतना स्ट्रेसफुल है लोगों, पता नहीं 7 महीने पहले लोग बुक कर देते हैं शो, और सोचिए मैं उस दिन बीमार पड़ गया, तो उसका स्ट्रेस मुझे 7 महीने पहले से ही अंदर रहता है कि मैं बीमार ना पड़ूँ, यहाँ पे 3,000 लोग टिकट खरीद के आएंगे, उनका पूरी शाम का मैं बर्बाद कर दूँगा अगर मैं गा नहीं पाया, सो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को दिखते नहीं लगते कि आते हैं रॉकस्टार गाते हैं, लेकिन बहुत तैयारी होता है पीछे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है, नहीं तो आप डिसअपॉइंट करते हैं ऑडियंस को। मेरे माँ बाप भी म्यूजिशियंस थे, तो आपने पूछा, वो स्टेज में चढ़ने से पहले हमेशा मैंने मम्मी और पिताजी को देखा था ऐसे, वो सीढ़ियों से चढ़ते ना, वहाँ पे 2 मिनट एकदम ऐसे चुप होते थे, जस्ट टू डिटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि सुबह से दिन का जो भी गया है टेंशन कुछ भी हो वो छोड़ के, मुझे बोलते थे कि मंच हमारा मंदिर है और जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, वो हमारा भगवान है, दैट्स हाउ दे यूज टू डू, एंड मैं भी वो कहीं ना कहीं रखता हूँ कि इसी के लिए ये मोमेंट है मेरा जब गाता हूँ, ये ही कि अभी भी ऐसा गाना चाहिए कि अभी दुनिया ख़त्म भी हो जाए तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैंने अपना पूरा निभाया, तो वो करना पड़ता है। पैपॉन, आपने इतने सारे कोक स्टूडियो में आपके बहुत बड़े सॉन्ग्स हैं और कॉन्फिडेंस आज हो भी रहा है रहमते का, तो कोई एक दो लाइन कोई भी गाने की आप हमारे दर्शक देखेंगे और टिकट बुक करेंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन कहाँ बुक कर सकते हैं उसके बारे में सौरभ सर आप बता दो। हाँ बता दीजिएगा, ऑनलाइन सर बुक माई शो पर बुक कर सकते हैं। तो क्या वैसे गांव में आप जो कोई रिक्वेस्ट है तो ऐसे तो जिनकी तो वर्ड्स मुझे याद नहीं है अभी, बट एक आसमी का दो पिताजी ने सीखा था 40 साल पहले, और फिर वो गाते रहते थे जोधपुर में, उन्होंने सीखा था, और जब मैंने 40 साल बाद उनसे सीख के मैंने कोक स्टूडियो में गाना बना के दिया, तो अभी कभी भी राजस्थान फ़ोन करता हूँ किसी को भी, तो फ़ोन उठाते बोलते पहले राम राम साहब, फिर बोलते सर 2 लाइन वो सुना दीजिए ना। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने 40 साल बाद एक गाना पॉपुलर किया, फिर आगे ऐसा था 2 लाइन ही गा देता हूँ अभी। एक्चुअली कल रात को बहुत लेट हो गया, रिकॉर्डिंग था, हम एक ही साथी थे, आवाज़ आज बैठा हुआ है। बैसारवि राम हने पिहरियल चालोसा, बैसारवि राम हने पिहरियल चालोसा, पिहरियल हने ओलुभावे। ऐसा क्या बात है, राजस्थानी फोक ऐसे में किया था, राजस्थानी फोक हिंदी सॉन्ग बॉलीवुड। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा बुझे, अनूप जी बोलते कि इनका गाना था मैंने गा लिया। अक्सर बोलते हैं अनूप जी, बहुत अच्छा गाना, मैं जैसे घुसता हूँ कहीं
पार्टी हो रहा है कुछ महफिल हो रहा है चलते ये आया ये मेरा गाना इसने गा लिया ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोहे ना धागे किस तरह के है सुलझे हम लोग सब हमेशा यही सोचते हैं जितने भी म्यूजिशियंस हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो म्यूजिशियंस हैं शायर हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उन सब के लिए हम करते रहें कुछ ना कुछ सिर्फ अपना ना सोचें हमेशा तो उसके लिए सौरभ दफ्तरी जैसे ऑर्गेनाइजर्स भी चाहिए जो अपनी मेहनत लगाते हैं लोगों से कांटेक्ट करते हैं स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं टिकट सेल करते हैं सब कुछ अरेंज करके और फिर गाना तो गाते हो सिंगर लेकिन सब कुछ इंतज़ाम करके और अच्छे पैसे इकट्ठा होते हैं वो हम लोग उसी दिन वहाँ देते हैं कुछ लोगों को वहीं बुला लेते हैं देने के लिए और उसके बाद कुछ मेडिकल पॉलिसीज़ भी ये अरेंज कराते हैं जो कई साल तक उन म्यूजिशंस को उन शायरों को मेडिक्लेम भी देते हैं तो ये बड़ी बात है और हम लोग हमेशा इनके साथ हैं जब ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है सब आ जाते हैं सोनू निगम आ जाते हैं हरिहरन हैं पापोन हैं मैं तो पहले साल से जुड़ा हूँ बाबुल सुप्रियो हैं अब वो मंत्री बन गए लेकिन फिर भी आते हैं तो बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि सब अपनी तरफ से फ़ोन करते हैं इनको कि भाई इस बार हमको आना है इस बार हमको आना तो इस बार जब मैंने फ़ोन किया इन्होंने कहा नहीं इस बार आपको नहीं आना तो मैंने कहा कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बुला लो तो हम इसमें आ गए लेकिन इस तरह से सबके अंदर एक ख्वाहिश है जज्बा है कि इस तरह के काम में सब आएँ सब काम करें सब जुटें और एक अच्छा रिजल्ट इसका दिया जाए तो उसी के लिए हम लोग सब मिले हैं हमारे इस बार का जो रहमतें हैं उसमें आप देख रहे हैं पापन यहाँ हैं और अभी तक अंकित तिवारी हैं शान हैं आज ही मेरी अंकित से बात भी हुई थी शान से भी दो दिन पहले बात की थी और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये तीनों मिल के तीन इक्के हैं इस बार अभी सोचा नहीं है हम लोग भी ऐसे म्यूजिशियन जो स्पॉन्टेनियस है ना उसी वक्त को लगा कि ये फिट होगा गा देंगे हाँ बिल्कुल सही ट्रिब्यूट है किया जाएगा और खयाम साहब मुझ पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के गए कि जो कुछ उन्होंने कमा म्यूजिशियंस को ही मदद के लिए वापस म्यूजिक इंडस्ट्री में जो म्यूजिशियंस हैं उनको ही दिया जाए तो उसके लिए एक ट्रस्ट उन्होंने बनाया है मुझे उसमें चेयरमैन बना दिया है और हमारे साथ तलत अजीज साहब हैं उत्तम सिंह जी हैं भूपेंद्र जी हैं और भी कई लोग हैं तो सब लोग मिलके इसमें काम करेंगे और मतलब ये कितनी अच्छी बात है जैसे रहमतें हैं वैसे ही खयाम साहब की जो ख्वाहिश है वो भी एक रहमतें हैं ये सब कुछ एक ही मकसद के लिए काम करने के लिए जुट रहे हैं ये बहुत खुशी की बात है और इस तरह का जज्बा सब में हो सब लोग आगे आए जिससे कि किसी को कोई आगे भविष्य में तकलीफ ना तो कोई नहीं कहता लेकिन यहाँ पे भी जितना एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी कम आए लोग तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड अपना कल्चर बोल रहे हैं बोल सकते नहीं आए थे काफ़ी सिंगर्स आए उन्होंने सिंगर्स आए लेकिन एक्टर्स जो बड़े बड़े जैसे कि मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था तो उन्होंने बच्चन साहब का बहुत ज़्यादा नाम लिया था लेकिन वो भी नहीं दिखे ना तरह दिखे पर काफ़ी बड़े बड़े जो उनके साथ में जो काम किए थे कहीं बिजी होंगे कहीं ऐसा नहीं है कि किसी के मन में खयाम साहब के लिए इज्जत कम है बहुत इज्जत करते हैं सब लोग खयाम साहब की लेकिन सबकी अपनी अपनी कुछ मसरूफियत रही होगी और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं श्रद्धांजलि के वो कोई दो महीने पहले से तो अरेंज किए नहीं जाते हैं कि भाई आप सब लोग अपना प्रोग्राम बना लें तो अचानक मृत्यु होती है अचानक इस तरह की श्रद्धांजलि के प्रोग्राम बनते हैं तो कोई अगर नहीं आता है तो उनको आप बिल्कुल ब्लेम ना करें
और जो आए हैं उनको धन्यवाद दीजिए। बस वही है क्या अनूप जी, बस खत्म करने के पहले एक रहमत आप ही बरसाइए। हाँ मैं भी आपको दो लाइन सुनाता हूँ। बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई, बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई, इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई। ये नई चीज आपके साथ करेंगे कि जो जितने भी पहले लाइव इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड ज्यादा होते थे, म्यूजिशियन बहुत हो गए, अब वो सब कुछ स्टूडियो में सिर्फ कंप्यूटर क्रिएट होता है, तो वो म्यूजिशियंस के लिए ज्यादा सपोर्ट हो रहा होगा इस बार। सर बिल्कुल, जो जो म्यूजिशियंस पुराने जमाने के हैं और जिनके पास आज काम नहीं है, तो ज्यादा फोकस उनकी तरफ है। जिनके पास एक्चुअली कोई काम है ही नहीं, जिनके पास थोड़ा भी काम है उनको तो कुछ आमदनी होती है, तो हमारा फोकस वहाँ है जहाँ रियली बहुत ही एक डिप्राइव्ड लॉट जो है, तो फोकस वहाँ पर। थैंक यू सर। चलो रुक यहाँ पर, या या लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे सामने लेफ्ट टू राइट, चलो इसमें फोटो भी खींच जाती है मूवी क्या होता अरे प्लेस अरे तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी यो मैडम, मैडम थोड़ा पार्टी है। अरे हो एक्सक्यूज मी यो सेंटर, थैंक यू। थैंक यू ने देखिए स्टिल ओनली स्टिल नो वीडियो क्यों 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 तुम्हारा हो गया ना सवाल भी हो अकेले सोना यस सर अकेले सोना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा तो यहां पे एक थोड़ा बैठा है।